हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपने कई बार हमारे एक वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो डिग्री या डुप्लीकेट मार्कशीट ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करें और कितने समय के बाद ये हमारा जो प्रोसेस होने के बाद ये हमारी डिग्री हमारे घर तक पहुँचता है। तो उन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको कोई ऐसी बात ना हो जो कि समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको हमने सबसे पहले ही बताया था कि आप जो भी यहाँ पे डिग्री या मार्कशीट आप अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन मंगाने के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो जैसे कि हमने एक वीडियो डाला था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि हमने अप्लाई कर दिया है पर फिर भी अभी तक हमारे पास आया नहीं है। तो चलिए आपको बता दें चलें कि आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप डुप्लीकेट डिग्री या मार्कशीट आप मंगाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो कुछ ऑनलाइन प्रोसेस में आपसे डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करने के लिए मांगते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं वो स्कैनर के थ्रू बढ़िया से एकदम ओरिजिनल, उसमें साफ साफ सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रोसेस आगे करते हैं ताकि आप तक पहुँच जाए। ये हो गई पहली बात, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ध्यान देना कि अगर आप जो है अपनी डिग्री मंगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपने जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर जो भी है जो आप डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करेंगे, ये चीज़ ध्यान देना कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल का हमें जो है डॉक्यूमेंट है, इसके बाद जो भी करना है आपको करें, लेकिन उसके बारे हमें डिग्री मंगाना पड़ता है। तो आपको जो है जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो ग्रेजुएशन जो प्रीवियस ईयर है वो आपका कंप्लीट कम से कम 3 साल हो जाना चाहिए, उसी के बाद आपको जो है अप्लाई करना है डिग्री के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करें कि आप जो है अप्लाई करें तब जब आपका ग्रेजुएशन 3 साल कम्प्लीट हो चुका है, उस के बाद ही आप ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अब आप जो है बाद में ये मत पूछना कि जो है मैंने आपके कहने पे हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया लेकिन अभी तक हमारी डिग्री या प्रोविजनल या कुछ भी हो वो अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। लेकिन ये मार्कशीट के लिए नियम नहीं है कि आपका 3 साल हो जाए तब आप अप्लाई करें, ये केवल डिग्री के लिए है, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा लगभग 3 महीने 4 महीने 5 महीने होने के हैं फिर भी हमारी डॉक्यूमेंट हमारे घर तक अभी तक नहीं मिली है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि आप जो है परेशान ना हो, अगर अप्लाई आपने सही से कर दिया, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपके पास डिटेल है सब कुछ, तो आपका ज़रूर आएगा आपके घर में आपका डॉक्यूमेंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए दोस्तों, हमने एक अभी अप्लाई किया था, उसको लगभग 7वें महीने में वो रिसीव हुआ है। तो आपके सामने देखिए, हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं। देखिए, ये हम जो डिग्री पहुँची है ये 2000, देखिए ये जो है इन्होंने बीपीएड किया था और ये 2009 में इन्होंने किया था और अप्लाई इन्होंने किया है 2022 में, ठीक है। तो इनका जो प्रोसेस हुआ था 5 मार्च को हमने अप्लाई फॉर्म को सबमिट किया था, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 5 मार्च को इनका फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद इनका वहाँ पे जो सबमिट वहाँ से भेजा गया, अप्लाई किया गया, ये 3 अगस्त को आप देख सकते हैं, आप इनके डिग्री जो आई है यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि 3 अगस्त को इनको वहाँ से इशू किया गया है और जब इनको वहाँ से भेजा गया है वो सितंबर में भेजा गया। तो जब सितंबर में वहाँ पे भेजा गया तो इनका कुल जो है जो टाइम लगा था आने में 4-5 दिन के अंदर आपके घर में पहुँच गया था, इनके घर में लगभग पहुँच गया था, वैसे ही आपके इनके आपके घर में भी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, ध्यान देना है कि सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट आपके घर में ज़रूर आएगा। तो वो आपको लगभग 7 महीने हो सकते हैं, 7 महीने भी लग सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है
और सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से सबमिट करें। तो हमने आपको दिखाया कि इनका फॉर्म कब अप्लाई किया था और कितने दिन बाद इनका फॉर्म जो है वहाँ से रिसीव होके इनके घर में डिग्री जो इसके लिए अप्लाई किया था वो चीज़ इनके घर में आई। इस प्रकार से जो बीएड कर रहे हैं या बीपीएड कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाली डिग्री जो भी मंगाना है वो मंगा सकते हैं। देखिए जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है ना वो जल्दी आ जाती है, लगभग उसमें 4 महीने लग जाते हैं, 4 महीने के अंदर वो लगभग रिसीव हो जाती है। हमने इसके पहले वीडियो में जैसे कि आपसे बताया ही था उसमें 101 रुपये लगे थे। और जो बीएड बीपीएड के लिए डिग्री के लिए आप अप्लाई करेंगे वो बीएड में तो जो डिग्री होती है जो फाइनल आप करते हैं राम मनोहर लोहिया के द्वारा, उसमें तो आपसे क्या कहते हैं उसमें मांग लेता है आपसे फीस उस फाइनल में ही मांग लेता है डिग्री के लिए। तो उसमें शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है अब के हिसाब से प्रेजेंट के हिसाब से कि उसमें डिग्री के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता है। हाँ अगर खो जाए तो डुप्लीकेट के लिए उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात है, क्योंकि जब आपका फाइनल हो जाता है ना तो डिग्री उसमें साथ में मिल जाती है। क्योंकि उसमें जब एग्जामिनेशन फॉर्म फाइनल का भरा जाता है बीएड वाला तो उसमें लिखा रहता है कि आपका डिग्री का और आपके एग्जामिनेशन फीस का इसमें दोनों जो है साथ में लिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इतने रुपए 3000-4000 जो एग्जामिनेशन फीस साथ में सब इंक्लूड करके लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए जानकारी हमें लग रहा है कि आपको सही लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना है या आपको संदिग्ध में है कि हमें इस प्रकार से इशू हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप यू कि आप जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सवालों से संबंधित आपका जवाब मिल जाए और कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट जल्दी से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।